Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching The Tree Birds. So guys, I'm here again with another short story, Property of Woman by Sara Sodleri. We will discuss about the summary and the biography of authors. Let's start guys. Let me tell you the summary in Urdu. ये एक सादा और दिलचस्प कहानी है एक घरेलू मुलाजमा हलीमा की. एक्चुअली ये नरेटर की नरेटर जो है वो ख़ुद भी इसमें एज अ कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है और हलीमा की है जो एक यानी ये कहानी जो है नरेटर की है और उसकी काम वाली जो है हलीमा की है. हलीमा जो मुसनफ़ा के घर में काम काज करती है. मुसनफ़ा जो है वो यारवी सारा ने मुलाजमा का किरदार बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है और हलीमा घर का कामकाज मुकम्मल कर लेने के बाद अपनी मालकन सारा के साथ बैठकर बातें करती है. सारा को भी इसकी कहानियों में दिलचस्पी है. इसी तरह ये हमारा कल्चर भी है गाइस, जो यानी जो हमारे वर्कर्स होते हैं जब वो काम वगैरह कर लेती हैं तो वो जो यानी काम करने के बाद जो अपना ऑनर है उसके साथ बैठ के बातें चातें करती हैं. हलीमा कभी अपनी हमसाइयों का जिक्र कर रही होती है और कभी अपनी बहन का जो कि दाई है और पैसे लेकर बच्चों को उनकी पैदाइश से पहले गिराती है यानी अबॉर्शन करती है उनका. हलीमा का शोहर जो है गफूर, उसका नाम है, गैस की कंपनी में मुलाजिम है. हलीमा की बेटी इसके साथ हाथ बटाने आती है, जिस तरह अक्सर जो वर्कर्स होते हैं साथ अपने बच्चों को भी ले आते हैं. हलीमा को एक पठान पत्थर नादी से ख्याली मोहब्बत है गाइस. इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टोरी एक्चुअली. हलीमा को एक पठान पत्थरनादी से ख्याली मोहब्बत है. पत्थरनादी एक सफ़ेद रंगत वाला शख्स है. हलीमा के छोटे बेटे का रंग भी बहुत सफ़ेद पत्थरनादी जैसा है, लेकिन हलीमा सारा को बताती है कि वो पत्थरनादी की औलाद नहीं है, वो तो अपने बाप गफूर की औलाद है. हलीमा फिर भी वो पत्थरनादी से बहुत मुतासर है. पत्थरनादी खजां के मौसम में पेशावर से सफ़र करके जीटी रोड के ज़रिए लाहौर आता है. सारा ने पत्थरनादी के लाहौर के सफ़र को और लाहौर शहर की तारीख़ को बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी में बयान किया है. लाहौर के मौसम, बागात और फूलों का जिक्र बड़ी उम्दगी के साथ किया गया है. ये बायोग्राफी देख लेते हैं गाइस सारा सुलेरी की. सारा सुलेरी वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन. Her father, Zia Ahmed Soler, was a well-known journalist who was the editor of the Pakistan Times and was jailed for his disagreements with the Bhutto regime. Her Welsh mother renamed herself to Soraya. When she married and taught English at Punjab University, Sara Soleri has four sisters and a brother. And much of her personal writing wanders between the intimate family relationships and the political times through which they lived. Sara Soleri का जो background है guys वो भी political ही रहा है उनके father की वजह से. तो उनका जो mostly अब तो उनकी death हो चुकी है, तो जो उनका ज़्यादातर काम था वो उसमें हम लोगों को social and political aspects बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. mostly उनका काम इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है. So Soleri attended Kinnaird College in Lahore, where she graduated with a BA honours in 1974. She has an MA from Punjab University and a PhD from Indiana University 1983. She has been professor of English at Yale University since 1983. ये इनकी education के बारे में है guys. ये important points हैं अगर आप याद कर सकें तो. और जो लाहौर के रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी, क्योंकि इसमें लाहौर को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है. ऐसे ही पोर्ट्रे किया है सारा ने, जैसे हम लोग उसे विजुलाइज भी कर सकते हैं. शी पोर्ट्रेड द होल स्टोरी इन अ वेरी डिलाइनेटर एंड पिक्टोरियल मैनर दैट वी कैन ऑल्सो विजुलाइज ऑल द टेक्स्ट विच हैड बीन रिटन बाय सारा. So her first book, Meatless Days, इनकी पहली जो किताब थी Meatless Days, in a nuanced memo that she described in a 1990 interview as an
intermingling of her own history with that of Pakistan. मैंने आपको भी बताया गाइस कि इन्होंने मोस्टली इनका जो काम है वो जो यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और क्योंकि इनके फादर जो थे वो भी जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान टाइम्स के लिए भी इन्होंने काम किया, और जो पार्टीशन का जो टाइम था उस पर इनका बहुत ज़्यादा वर्क है. तो इन द रिटोरिक ऑफ इंग्लिश इंडिया सोलेरी ट्रेसेस अ जीनियोलॉजी ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर मोस्ट रीसेंट बुक बॉयज विल बी बॉयज अ डॉटर्स एलेगी इज अ ट्रिब्यूट ऑफ हर लेट फादर. Let's discuss the summary in English, guys. This is a very profound story about a normal item in the lives of common people and the role of sex in their lives. Most of the people talk about sex in their own way, but Halima, the maid of the narrator, presents an ideal picture of sex. क्योंकि इसका background दिखाया जा रहा है कि उसे पत्थर नादी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो उसकी बातों में बहुत ज़्यादा feel होता है कि जैसे she had an illegitimate relation with Pathar Nadi, but actually it's not. क्योंकि वो clear बताती है सारा को कि ऐसा कुछ नहीं है, और Pathar Nadi जो है वो उसके बेटे का बाप नहीं है, वो अपने बाप गफूर का बेटा है. तो कुछ मिली जुली उसको दिखा रहे हैं अंदाज़ उसका, हलीमा का. For she belongs to the poor class of her society, sex becomes a symbol of light and illumination for her. She is not such absorbed in it as to lose her most valuable property, chastity. She says that she is not a corrupt lady and she has always been faithful and devoted to her husband. However, she realizes a frontier man, Pathar Nadi, who has sunlight in his bones. He is the prince of her dreams, but she has never met him. वो उसे कभी मिली तो नहीं है, लेकिन वो पत्थर नादी से कभी मिली तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जहन में उसका बहुत ज़्यादा एक जो नक्शा है, उसका जो उसकी शक्ल है, वो ऐसे एम्बेड हुई हुई है कि वो उसे भुला नहीं पाती. शायद उसने कभी उसे देखा हो या एक झलक देखी हो, उसके ड्रीम्स जो हैं उसके जहन में आते रहते हैं. The story is about Sara Suleri, the narrator, and her maid Halima. Sara lives in the house of her father in Gulberg 5 in Lahore. She belongs to elite class. Halima is a poor lady who works in Sara's home. She cleans her house. She also tells stories and gossips with the narrator. She lives in one of those houses that are situated on one hand of Gulberg 5, and these poor houses fall down during the rainy season but are rebuilt and reconstructed as soon as the season becomes dry. ये हमने अक्सर देखा है गाइज, जो भी कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास होती है, जो जिस तरह गुलबर्ग का जो एक एरिया है बहुत उसमें अमीर लोग रहते हैं, और उसी तरह एक बैकवर्ड उनके साथ इलाका होता है जहाँ इसी तरह गरीब लोग रहते हैं, और जो अक्सर जो मोस्टली वर्कर्स होते हैं उन अमीर घरों के. द स्टोरी स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन ऑफ सिकेडास दैट अपीयर्स एनुअली इन लाहौर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सिकेडास गाइस जो ग्रास होपर्स होते हैं ग्रीन कलर के, मोस्टली निकल आते हैं मॉनसून के सीजन में, रेनी सीजन में. दीज एनुअली इन लाहौर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. दीज हैव ओनली 3 फंक्शंस टू परफॉर्म, अराइव, मेट एंड डाई. इनका यही काम होता है, ये यानी जब आते हैं और इनकी प्रोडक्शन होती है और फिर ये मर जाते हैं. But the story of human beings is something complex. The narrator tells us about Pathar Nadi, who according to Halima visits Lahore on every 17th year. अब ये इसमें बड़ा एक मिस्टीरियस सा पॉइंट दिखाया गया कि जो पत्थर नादी है वो हर 17 साल के बाद विजिट करता है लाहौर को. तो एक कम से कम एक ही दफ़ा अगर तो हलीमा ने उसे देखा भी है, तो एक उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही दफ़ा ऐसा हुआ होगा. As he comes only in winter, he do not know anything about the summer or rainy season in Lahore. He does not know anything about summer fruits, jamun and falsa. However, he visits to Anarkali Bazaar and eats temperate berries
विद रैलिश बड़े, यानी उसको दिखाया गया कि बड़े चस्के से और मज़े से। ये जो लाइन है इसे हम पोर्ट्रे कर सकते हैं कि उसने शायद उसे कभी बाजार में देखा हो, क्योंकि वो उसे बहुत खूबसूरत दिखाया जा रहा है, तो शायद उसने उसे किसी बाजार में देखा हो इसी तरह बैरीज को मज़े से खाते हुए, और वही जो रिफ्लेक्शन है उसके जहन में इतना ज़्यादा बैठ गया कि वो उसे भुला नहीं पा रही। लाहौर इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, इट डिडेंट केयर इवन फॉर बिग एंड इम्पॉर्टेंट रूलर्स, किंग्स एंड एम्परर्स। हाउ वुड इट केयर फॉर पथन आदि, हु कम्स आफ्टर एवरी 17 ईयर्स डाउन द माउंटेन इन द नॉर्थ। क्योंकि वो पेशावर से आता है तो पहाड़ी इलाका है, और लाहौर डिड नॉट केयर फॉर द 17 डेज ओल्ड वॉर ऑफ 1965। गाइज इसमें जो है हम लोगों को वॉर्स के बारे में भी बताया गया है और इसके बैकग्राउंड में, यानी हिस्टोरिक, क्योंकि लाहौर जो है वो एक हिस्टोरिकल सिटी है, शाही किला और बादशाही मॉस्क वगैरह, तो इसलिए एक्चुअली ये जो स्टोरी उसने लिखी है उसमें लाहौर का बहुत, उसे ऐसे अदा किया गया है, लाहौर को ऐसे परफॉर्म किया गया है जैसे कोई एक कैरेक्टर हो, वो मेन कैरेक्टर हो जैसे स्टोरी का। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बैकग्राउंड में वो लेकर चली है सारा सुलेरी साथ। तो वो कह रही है कि लाहौर ने जब अपने किंग्स का नहीं, यानी किंग्स का और वो जो रूलर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े एम्परर्स गुजरे हैं, उनका नहीं उसने ख्याल किया, तो पत्थर नादी का क्या ख्याल करता। ये उसने एक सटायर भी किया है शायद, और क्योंकि जो दो बड़ी जंगें 1965 की और 71 की, उसका भी उसने साथ ही जिक्र कर दिया। आगे गाइस देख लेते हैं, द वॉर ऑफ 1971, ये जो मैंने आपको भी बताया, इट लिव्स पीसफुली इन बोथ दीज वॉर्स। पथनादी कम्स फ्रॉम NWFP इन टू लाहौर फ्रॉम द GT रोड। पेशावर से आता है लाहौर GT रोड के ज़रिए पथनादी, और लाहौर ने, यानी ये जो दोनों बड़ी जंगें थी इसमें बड़ा सुकून रहा है, कोई इतना पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि जो लाहौर के रहने वाले हैं बड़े हौसले वाले लोग हैं। तो पथनादी कम्स टू लाहौर एंड इंस्पायर्स द माइंड हार्ट एंड सोल ऑफ द पुअर लेडी हलीमा, हु लाइक्ड हिम एज ही इज़ लाइक द सनलाइट फॉर हर। हलीमा टेल्स द स्टोरी ऑफ पथनादी टू द नरेटर, बट वॉन्स हर दैट शी शुड नेवर लेट एनीवन नो अबाउट दैट स्टोरी। अब जो हलीमा है नैरेटर को पूरी स्टोरी बताती है अपने पत्थर नादी के बारे में, और उसे वॉर्न भी करती है कि वो उसकी जो स्टोरी है किसी से ना, किसी को ना बताए और इसको एक सीक्रेट रखे, और नैरेटर ने पूरी दुनिया में उसकी ये बात फैला दी। इस चीज़ को, उसकी शॉर्ट स्टोरी इतनी फेमस हो गई और आज पत्थर नादी और हलीमा की स्टोरी पूरी दुनिया में चल रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था वैसे नैरेटर को। कम टू द पॉइंट, हेयर नरेटर डाइवर्ट्स अटेंशन ऑफ द रीडर टू टॉय हॉर्सेज टू यस टॉय हॉर्सेज दैट आर सोल्ड ऑन मेन रोड्स इन लाहौर बाय जिप्सीज। जो खानाबदोश लोग होते हैं जिप्सीज, उनके यानी वो जो बेचते थे हॉर्सेज वगैरह, इसे गुगू घोड़े भी कहते हैं लाहौर के जो रहने वाले हैं मोस्टली, शायद उन्हें पता हो इस चीज़ का। दीज हॉर्सेज गॉट देयर लाइनेज फ्रॉम ग्रीसियन एज एंड फ्रॉम द लेगेसी ऑफ ट्रॉय, हेलन ऑफ ट्रॉय जो है। गाइस आपको पता होगा लिटरेचर के जितने भी लिटरेरी बर्ड्स हैं उन्हें पता ही होगा। सारा बायज़ अ पेपर हॉर्स एंड कीप्स इट इन हर ओन रूम। इसी तरह सारा जो है वो भी बहुत फैसिनेट होती है इन चीज़ों से, वो उसको ख़रीद के अपने रूम में रखती है। और हलीमा वॉज ए वाइफ ऑफ गुलाम हु वर्क एज अ सॉयल डिगर फॉर स्विगेस कंपनी, और स्विगेस कंपनी में वह वर्कर काम करता है। गुलाम एंड हलीमा हैड टू चिल्ड्रन, गुलबदन एंड अला रखा। एक बेटा है एक बेटी है जिसका नाम गुलबदन है और अला रखा है। और शी इज़ नॉट वेल रीड, शी डजेंट नो साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, शी डजेंट नो फिलोसफी ऑफ लव, शी मिक्सेस अप ऑल डिफरेंट इनोसेंट एंड सिनफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेक्स। वो क्योंकि दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर रही है, उसे ये नहीं पता चल रहा कि वो कुछ कहना भी चाह रही है और समझाना भी चाह रही है, लेकिन क्योंकि वो इलिटरेट है तो उसको अपने नरेटर को समझाना नहीं आ रहा कि वो किस तरह अपनी फीलिंग्स को पोर्ट्रे करे, एक्सप्रेस करे उसके सामने।
शी फील्स दैट अल्लाह रखा इज़ द सनी, क्योंकि उसके बेटे के अल्लाह रखा जो है उसका भी बहुत कलर फेयर है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने जहन पर सवार कर लेते हैं तो वही कुछ होने लगता है। तो शायद हर टाइम उसने जो अपने जहन में पत्थर नादी का जो एक अपने जहन में उसकी शक्ल बनाई हुई थी, उसी तरह उसके बेटे की भी शक्ल उसी तरह है और बहुत वो वाइट है, उसका कम्प्लेक्शन बहुत फेयर है और बहुत खूबसूरत है, जैसे उसने अपने जहन में पत्थर नादी की शख्सियत को बना रखा है। शी ऑल्सो कन्फेसेस दैट पत्थर नादी हैज़ सनलाइट इन हिज बॉन्स एंड बट ही इज़ नॉट अला रखा'स फादर। हलीमा कंसिडर्स पत्थर नादी द अप होल्डर ऑफ ऑल द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्वीटनेस एंड लाइट। उसे यानी हलीमा जो है वो बेहद मोहब्बत उसकी दिखाई गई है पत्थर नादी के साथ। ये उसका एक इमेजिनेशन ही है जो उसके साथ दिमाग पे इतना ज़्यादा सवार है कि वो उसे एक परफेक्ट क्रिएशन समझती है कि वही बस खूबसूरत है इस दुनिया में, उसमें सारी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं। सारा ऑब्जेक्ट्स दैट द पत्थर नादी कम्स वंस आफ्टर 17 ईयर देन ही मस्ट हैव कम ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ हलीमा, क्योंकि वो 17 सालों में एक बार आता है तो हलीमा की लाइफ में भी एक ही दफ़ा उसने देखा। और जो कैस जो अनारकली बाज़ार में उसने उसे देखा चटखारे से मज़े से जो मौसमी बेरीज खाते हुए, तो उसे पता लगता है कि शायद उसने उसका उसके जो ग्लिम्प्स हैं उसके जहन में आते हैं तो शायद उसने उसको चलते हुए कहीं देखा हो और उसे इतना खूबसूरत लगा हो कि वो उससे इमेजिनेशन में उसे मोहब्बत करने लगी हो। तो ये गाइस बस स्टोरी है जो, लेकिन जो लाहौर का कैरेक्टर है इसमें बताया गया है वो बहुत खूबसूरत है। आप उसे बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर सकते हो, जो लाहौर में रहने वाले हैं वो तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छे से उसे बता सकते हैं। होप यू गॉट समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ आई होगी उर्दू में समरी में, और उर्दू की समरी में और साथ साथ जो ऑथर की बायोग्राफी है उससे। इंशाल्लाह थीम्स और सिंबल्स को भी डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी और लाहौर का जो बैकग्राउंड है उसको भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिटरेरी बर्ड्स। यू कैन ऑल्सो विजिट माई फेसबुक पेज। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।